दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बड़े पर्दे पर कॉमेडी के किंग परेश रावल का आज जन्मदिन है। अभी हाल में परेश रावल ने अरुंधति रॉय पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रोल किए जा रहे थे। परेश रावल को कॉमेडी से नहीं बल्कि बॉलीवुड में विलेन के रूप में पहचान मिली थी। कई फिल्में विलेन के तौर पर करने के बाद उन्होंने कॉमेडी में एंट्री मारी। 30 मई 1950 को मुंबई में जन्मे परेश रावल सिविल इंजीनियर बनना चाहते थे। उन दिनों वे नौकरी पाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे, पर आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहाँ पर कायम रहना हर किसी के बस की बात नहीं। परेश की शादी 1979 में मिस इंडिया बनी स्वरूप संपत के साथ हुई। इनके दो बच्चे आदित्य और अनिरुद्ध हैं। वैसे अभिनेता परेश रावल के आज दुनिया भर में हजारों फैंस हैं। कॉमेडी के किंग परेश रावल ने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार भी निभाया है। अभिनेता परेश रावल ने कई बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 आई फिल्म होली से की, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया था।